अम्बेडकर नगर के अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र ग्राम कोडरा में एक दबंग ने अपनी दबंगई का परिचय देते हुए किसान को खेत सींचने से पहले ही ताला तोड़कर इलेक्ट्रिक पैनल से ग्रीफ निकाल ले गया है। ग्राम सभा निवासी विशाल ने बताया कि 12 जनवरी को सुबह जब खेत सींचने के लिए पहुंचा तो गांव के मनबड़ दबंग सरकारी टेबल से ताला तोड़कर ग्रीफ निकालने लगा। इस संबंध में गाँव के प्रधान संजय राजभर शिकायत की गई तो वो भी कान में तेल डालकर सो गए। विशाल नाम का लड़का जो अपने खेतों को सही करने के लिए दो दिन से चक्कर लगा रहा था, सरकारी ट्यूबवेल को चालू करने गया तो पता चला दरवाजा खुला और ग्रीफ गायब है। इस गांव में दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। देखिए हमारे संवाददाता गणेश मौर्य की अंबेडकर नगर से खास रिपोर्ट। हेलो हेलो हेलो, प्रधान भैया विशाल बोले थे? अरे कोडरा से विशाल चमार। हाँ बोलो। कहा थे भैया ना ओ का कहा था जो विदेशी चाचा है घर भैया बताना तो उनसे ये कह दिया भैया ना कि जो तलबा सरकारी टेबल तोड़ गए गिरफे लेके गए है तो उनका हिसाब किताब रखे रही है। आज उनका ऐसी तैसी हो गई या तो इज्जत से लायक तलबा दे दी है और गिरफिया ले जाए लगा दी है उनके बाप के पपौती में ना बांटे। हाँ नहीं तो आज 10 बजे आज उनके खैर ना आवा। हाँ कहा बहुत अत्याचार कह दिए हैं बहुत अत्याचार लेकिन अब एक जान ला हमका 100 नंबर ब्लॉक पर ही है बहुत कुछ करे पर ही है। आज अगर आज हमका सींचे न दिन हर सीजन के बार आपके हम अत्याचार न साहब सब सींच ला हमका टिल्लू बांधे पर भैया ये कौन बात है हम गांव ना है कि हमारे नाते हमें सबका सतावत है कहाँ भरे दिन भैया तो कह दिया जो तलवा तोड़े है। हेलो भैया तलवा जो तोड़े हैं हम वहाँ तय पुलिस प्रशासन बलाइब। हाँ हमका अब बहुत दूर तक जाए पड़ जाए का समझ ली है वो कल लाइक तलवा कह दिया भैया दे रही है हम घरे तो अब हमका सब घेर ली है हम तो जाना था ही है एक नाते और अगर तलवा न दे न तो उन्हों खैर ना आवा। विशाल कुमार ग्राम कोडरा पोस्ट मेट सैदपुर जिला अम्बेडकर नगर से और देखिए रात को यहाँ पे आइए पहले दिखा दें आपको सब पूरी बात बताएं। देखिए तीनों ग्रीफ निकाल ले गए विदेशी राजभर जी जो हमें सिंचाई नहीं करने दिए। देखिए चाबी मेरे हाथ में है और देखिए चाबी मेरे हाथ में है रात में कल मैं सिंचाई कर रहा था और विदेशी राजभर गए बोले हमें पहले सिंचाई करने दो तो हमने बोला चाचा पहले हमें सिंचाई करने दो इसके बाद तब आप सींच लेना तो वो बोले नहीं हम जा रहे हैं ग्रीफ निकाल लेंगे ले जाएंगे तुम्हें सींचने नहीं देंगे। और देखिए ताला भी तोड़ दिए चाबी मेरे हाथ में है और रात में ग्रीफ लेकर चले गए। मेरे खेत में पानी जाने ही वाला था इसी दौरान वो आए रात में तुरंत लेकर चले गए वो गिरे भी चोरी करनी है और कल खेत में गए थे गाली उली दे रहे तो बताइए राजभरों की जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है वो लोग कभी ग्रिप निकाल वो पहले सिंचाई कर लेते हैं इसके बाद ग्रिप निकाल के रख लेते हैं इसके बाद जो है कोई कहता है उनके पास ग्रिप है मैं ग्रिप लेने जाता हूँ तो बहुत बोलते हैं और यही बगल में मेरा 10 बिस्सा खेत है वही सिंचाई करने के लिए मैं काफ़ी परेशान हो जाता हूँ हर बार सीजन में यही सीजन में हमें बहुत दिक्कत होती है। पहले लोग खुद का सिंचाई कर लेते हैं फिर बाद में भी नहीं सिंचाई करने देते हैं ना पहले सिंचाई करने देते हैं ना बाद में सिंचाई करने देते हैं। बताइए कब सिंचाई करें हम बताइए ताला भी तोड़ दिए हम सोचे ताला इसलिए लगाए थे कि ताकि हमारी खेत की सिंचाई जब तक ना हो जाए तब तक कोई ग्रिप चोरी करके ना ले जा सके लेकिन विदेशी राजभर गए खेत में हमसे उल्टा सीधा बहस भी किए बोले कि तुम कैसे सींच लोगे हमको गाली गलौज भी दिए रात में तुरंत ग्रिप चोरी कर लिए ताला तोड़ के चोरी करके लेकर गए हम सोचे जब तक सिंचाई करेंगे तब तक ताला लगा रहेगा। इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।